हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। ये जो आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है हेडलाइट लेवलिंग मोटर, जो हेडलाइट लेवलिंग स्विच होता है जिससे आप हेडलाइट का बीम जो है उसका फोकस ऊपर नीचे एडजस्ट करते हैं, उसका मोटर है ये। तो जो मेरी पुरानी हेडलाइट थी वो टूट गई थी एक एक्सीडेंट में छोटे से, तो उसका मोटर मैंने निकाल के रख लिया और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये काम कैसे करता है और इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि काम कैसे करता है, मैं आपको चल के कार में दिखाता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, ये है हेडलाइट का लेवल एडजस्ट करने वाली स्विच। इसको ऊपर नीचे करके आप जो बीम का फोकस है उसको एडजस्ट करते हैं। और ये है मोटर जो मैंने अलग से फिट किया है पुराने हेडलाइट से निकाल के, जो टूट चुका था। तो इसमें आप देख सकते हैं जो वाइट वाला पार्ट है जो जस्ट क्रोम के पीछे है, वो आगे पीछे मूव कर रहा है। अगर आप ध्यान देखेंगे तो आपको दिखेगा। तो इसी के कारण जो हेडलाइट है उसका फोकस ऊपर और नीचे एडजस्ट होता है। वो बताता हूँ कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा पार्ट जो हेडलाइट का वो मूव करता है इस मोटर का। जैसे कि हेडलाइट है, इसमें आप देख रहे हैं रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जितना भी है, जिसमें लाइट बल्ब की लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट होकर बीम फॉर्म करती है, वो पूरा पार्ट जो होता है ये वाला पूरा पार्ट, ये फ्लेक्सिबल होता है और ये फिक्स नहीं रहता। जैसे कि मोटर की जो वही क्रोम वाली जो स्टिक है वो आगे पीछे होगी, तो ये पार्ट ऊपर नीचे एडजस्ट होगा और जो बीम है वो ऊपर नीचे फोकस करेगी। तो अब मैं पुरानी मोटर निकाल लेता हूँ और जो केबल है उसको उसके पोजीशन पे लगा देता हूँ हेडलाइट में। उस जब आप नई हेडलाइट लेंगे तो उसमें आपको पहले से ही फिक्स मोटर मिलेगा, उसमें आपको मोटर रिप्लेस करने की जरूरत नहीं होती। हालांकि ख़राब होगा तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं वापस केबल को लगा देता हूँ उसके हेड पे। तो केबल लगाना बहुत आसान है, बस आपको फेस मैच करना है और उसके बाद आराम से फिक्स हो जाएगा। लेकिन आप अगर इसको उल्टा लगाएंगे तो डैमेज भी हो सकता है और लगाने में दिक्कत भी होगी। तो बस फेस को मैच करिए और फिक्स कर दीजिए। तो जैसा कि आपने अभी देख लिया कि काम कैसे करता है, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे वारंटी वॉइड इफ सील इज ब्रोकन का सील लगा हुआ है, मतलब आप जब ये वर्किंग कंडीशन में हो तो खोल नहीं सकते क्योंकि हेडलाइट जो वारंटी में आती है, तो ख़राब होगा तो रिप्लेस हो जाएगा। तो अब चूँकि हेडलाइट ख़राब हो चुकी है तो मैं इसके ऊपर कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ। चलिए खोलते हैं। तो आपने मूवमेंट देखा इसका कि ये आगे पीछे मूव करता है। अब देखते हैं ये अंदर क्या होता है, इसमें जो मैकेनिज़म है वो क्या है। तो इसके लिए इसको खोलना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसके लिए चाहिए आपको स्क्रू ड्राइवर फ्लैट हेड का और ये सारे जो सील हैं इनको ओपन करना है और इसको पीछे की तरफ पुश कर देना है। एक करके सारे सील जो क्लिप हैं उनको पुश कर देना है। तो मैं स्किप कर देता हूँ वीडियो, उसको सारे क्लिप्स को ओपन करने के बाद दिखाता हूँ आपको। तो अभी सारे क्लिप्स खुल गए हैं, तो अब इसको अलग कर देते हैं। और इसके अंदर कुछ ऐसा है, यहाँ से पावर इनपुट के लिए पॉइंट्स हैं जहाँ से हम केबल का कनेक्ट करते हैं। तो इधर पावर अंदर आता है और ये पता नहीं किस लिए, इधर कुछ एप्लीकेशन होगा लेकिन अभी पता नहीं, देखता हूँ। और फिर इसके बाद इधर ये मेन पार्ट है, जो मेन मोटर ये है। तो इसमें यहाँ पे एक सर्किट है और इसको खोलने के लिए ये जो ऊपर रबर के बुश टाइप्स के लगे हैं कुछ, उसको निकालते हैं बाहर। इसमें दो हैं, दोनों बाहर निकालेंगे और उसके बाद ये पूरा सेटअप बाहर आ जाएगा। ये तो इसमें कुछ नहीं है, बस ये जो सर्किट है वो है और ये मोटर है, ये मोटर जो कि जिसमें यहाँ पे गियर का अरेंजमेंट है। ये गियर है जो कि मोटर रोटेट करती है, तो ये गियर भी घूमता है और यहाँ पे पूरा गियर अरेंजमेंट है। मैं फ्लैश ऑन कर देता हूँ तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि अंदर मैकेनिज्म कैसा है। ये मोटर है, ये मोटर है पीछे, और अभी अलग हो गई, कोई बात नहीं, लग जाएगी। सिर्फ उसमें ऐसा यहाँ पे फिक्स करना है इसके पॉइंट।
तो ये गियर जब रोटेट करेगा तो ये उसके कारण ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील वाला अरेंजमेंट है, कुछ वैसे ही काम करता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कैसे काम करता है ये। मोटर को बहुत फास्ट चलती है तब ये काफ़ी स्लोली, जैसे कि गियर रेशियोस का काफ़ी ज़्यादा होता है इसलिए स्पीड रिडक्शन। होप आप समझ गए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब टेक केयर, बाय बाय।